अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दिस इज हेयर इकरा अकरम खान, वेलकम बैक टू रमिस्ट ग्रीमिया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन टू नोटिफाई यू एवरी टाइम आई हैव अ न्यू वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। टुडेज माय टॉपिक इज गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स पढ़ा था, उससे पहले ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ये इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 1 का थर्ड टॉपिक है, गैसियस एक्सचेंज एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमन। तो जो गैसेस ह्यूमन के अंदर एक्सचेंज हो रही होती हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए एक्सचेंज हो रही होती हैं। ठीक है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके पास वही कि ऑक्सीजन कैसे इंटर हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर गया, इट टेक प्लेस इन लंग्स बेसिकली। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसमें दो ट्रैक्ट होते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, एयर पैसेज में एंड लंग्स। फिर एयर पैसेज में के फर्दर 2 पार्ट्स हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, यानी कि आप लोग जब सांस लेते हैं, जब आप रेस्पायर करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं, तो वो गैसेस कहाँ से इंटर हो रही होती है? दे कैन इंटर फ्रॉम योर नोज, देन फर्दर मूव टूवर्ड्स दी अदर पार्ट, देन फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैक, या जिनको हम वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में नोज एंड फेरिंग्स है, देन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में लेरिंग्स, ट्रैक या ब्रोंकाई, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पर आपकी नेसल कैविटी है, आपकी जो नोज है वो इंक्लोज किस में हुई है, नेसल कैविटी में। अभी आप जो रिटन फॉर्म में है इसको भूल जाए। ठीक है, आप जस्ट फोकस करें डायग्राम पे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, नेसल कैविटी। आपकी जो नोज है वो इंक्लोज हुई हुई होती है किसमें, नेसल कैविटी के अंदर। ठीक है, अब इस नेसल कैविटी के अंदर 2 होल्स भी होते हैं जो आपको बाहर की तरफ विजिबल होते हैं। उन होल्स को या एक्सटर्नल ओपनिंग्स को हम कहते हैं नोस्ट्रल्स। ठीक है, ये देखें, ठीक, आपकी नोज जहाँ इंक्लोज हुई हुई थी दैट इज नेसल कैविटी, और उधर जो ओपनिंग थी, जो होल्स थे, उनको हमने नाम किसका दे दिया, नोस्ट्रिल्स का। ठीक है, अब उन नोस्ट्रिल के दरमियान में एक वॉल भी होती है जो उन दोनों को सेपरेट कर रही होती है, उस वॉल को हम नाम देते हैं सेप्टम का। ठीक है, जो नेसल कैविटीज को सेपरेट कर रही होती है, दिस इज अ वॉल एंड दिस वॉल नेम इज द सेप्टम। ठीक है, अब जो उसका इंटीरियर पार्ट्स होता है नेसल कैविटी के करीब, जहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं आपकी नोज में, उस पार्ट को कहते हैं वेस्टिब्यूल। ठीक है, अब इसके बाद जब एयर चले नोज से इंटर हो गई, इट फर्दर मूव टूवर्ड्स दी फेरिंग्स। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब आप लोग हॉस्पिटल्स वगैरह जाते हैं, डॉक्टर के पास अपना गला वगैरह चेक करवाते हैं, तो आपको कहते हैं कि माउथ अपना ओपन करें। ठीक है ना, जब आप माउथ ओपन करते हैं तो आप वैसे बजाय खुद भी देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा कि आपको अंदर की तरफ 2 होल्स नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, उन 2 होल्स को हम बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक है, जो बाहर की तरफ आपको विजिबल थे वो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स हो गए, जो अब अंदर की तरफ है उनको हम बोलते हैं इंटरनल नोस्ट्रिल्स। ठीक है, तो फेरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल नोस्ट्रिल्स। ठीक है, इसके पास भी 2 होल्स होते हैं, एंड दीज होल्स आर कॉमन फॉर बोथ फूड एंड एयर, कि इसके अंदर जो है आपके पास एयर भी जो है वो चली जाए एंड फूड भी इसमें से चला जाए। लीडिंग फ्रॉम ओरल नेसल कैविटी ये ईसोफेगस से मूव करती हुई जाती है लेरिंग्स में। ठीक है, फेरिंग्स के बाद जो आपका थर्ड पार्ट है, जहां पर आपकी एयर जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है मूव करती है, दैट इज द लेरिंग्स। ठीक है, नेसल कैविटी टू फेरिंग्स एंड फेरिंग्स टू लेरिंग्स, ये प्रेजेंट है। देखिए, इसके बाद अगला पार्ट जो है फोर्थ वाला, वो ट्रैक किया है। तो फर्स्ट बात तो आपको ये बताई गई है आपकी बुक्स के अंदर कि लेरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स, इट इज प्रेजेंट बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रैकिया, यानी कि जो लेरिंग्स है कहाँ मौजूद होता है, फेरिंग्स और ट्रैकिया के दरमियान में मौजूद है। ठीक है, इसको हम वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि आपकी आवाज, आपकी साउंड की प्रोडक्शन करवा रहा होता है। इसमें फाइब्रस बैंड प्रेजेंट होते हैं, वोकल कॉर्ड जो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, देन फर्दर इट मूव टूवर्ड्स द ट्रैकिया, इट इज कॉल्ड अ विंड पाइप, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, इट लाई इन द फ्रंट ऑफ इसोफिगस, कहाँ लाई कर रहा होता है, इसोफिगस के फ्रंट में। ठीक है, सी शेप्ड होता है। ठीक है, ट्रैकिया ये देखिए आपको इसके अंदर भी नजर आ रहा है। ठीक है, और कार्टिलेजनस इसमें रिंग्स होती हैं। देन इट इंटर्स फर्दर, ये डिवाइड होता होता, देखें एक ये वाली ट्यूब और एक ये वाली ट्यूब, ये 2 ट्यूब में डिवाइड हो जाते हैं, उन ट्यूब को हम नाम देते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, आप देखिए, आप फिफ्थ पार्ट आपके पास क्या आ गया है,
ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई जब चेस्ट कैविटी में इंटर हो गई तो दो स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो गई, फिर वो फर्दर लंग्स में जाएगी और डिवाइड होगी स्मॉलर स्मॉलर ब्रांचेस के अंदर। उन ब्रांचेस को यहाँ पर इस डायग्राम में इस जगह पर ये फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होती जाएगी, जिन्हें हम नाम देंगे ब्रोंकस का, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स का सॉरी। जब ये ब्रोंक्यूल्स कार्टिलेज, कार्टिलेज कहते हैं जो नर्म सी हड्डी होती है, ठीक है, अगर उस हड्डी को, उस बोन को लूज कर देंगे और बहुत ज्यादा नैरो बन जाएंगे, ठीक है, तो वो ब्रोंक्यूल्स तब तक डिवाइड होते रहेंगे जब तक ये फाइन ट्यूब में कन्वर्ट ना हो जाए। जब ये फाइन ट्यूब में कन्वर्ट होंगे तो उनको हम बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट। वो एल्वियोलर डक्ट जब क्लस्टर या पाउचेस की सूरत में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है जिसका नेटवर्क बाउंडेड बाउंडेड बाय कैपिलरीज, ठीक है, तो उनको हम नाम देते हैं एल्वियोलाई का, जो फर्दर आगे सेपरेट कर रही होती हैं, लंग्स वगैरह की तरफ मूव कर रही होती हैं, ठीक है। तो आपका जो एयर पैसेज हुए हैं वो नेसल कैविटी से स्टार्ट होता है और एल्वियोलाई पे एंड हो जाता है, ठीक है। तो लाइक ये नोज से आपकी एयर इंटर हुई, फेरिंग्स में गई, फेरिंग्स से लेरिंग्स, लेरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वियोलर डक्ट एंड देन एल्वियोलाई, ठीक है। ये आपका ट्रेस द एयर पैसेज वे। अगर ये आ जाता तो आपने डायग्राम भी बना सकते हैं, फ्लो चार्ट की जरूरत में चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आप देखें, एल्वियोलाई के बाद आपके पास क्या है, लंग्स है। जब एक एल्वियोलाई कॉन्स्टिट्यूट करती है, मिलकर क्या बनाती है, एक लंग्स। ये देखें आपको यहाँ पर भी एल्वियोलाई नहीं नजर आ रहे, ठीक है, लेकिन आपको अगली किसी ब्रीथिंग वगैरह में मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। ऑल एल्वियोलाई ऑन वन साइड कॉन्स्टिट्यूट अ लंग्स, पेयर ऑफ लंग्स इन थोरैकिक कैविटीज प्रेजेंट। यहाँ पर आपका पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये आपके पास राइट लंग्स है और दिस वन इज द लेफ्ट लंग, ठीक है। आप देखें ये चेस्ट वॉल जैसे कंसिस्ट करती है 12 पेयर ऑफ रिब्स को, ठीक है, हाउ मैनी पेयर ऑफ रिब्स, 12। और उन रिब्स मसल के दरमियान जो सॉरी उन रिब्स के दरमियान, फॉर एग्जांपल ये रिब्स हैं, इनके दरमियान कुछ मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो इनको आपस में अटैच कर रहे होते हैं, उन मसल्स को हम नाम देते हैं इंटरकोस्टल मसल्स का, ठीक है। ये एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम डायफ्रेम भी कहते हैं। डायफ्रेम जो है वो लंग्स से बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है। अब आपका जो लंग्स था वो पेयर की सूरत में था, लेफ्ट लंग और राइट लंग्स, ठीक है। लेफ्ट लंग जो है वो थोड़ा स्मॉल होता है और राइट लंग्स जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, क्यों, उसके पास टू लोब्स है जस्ट। ये देखें यहाँ से एक लोब और ये वाली जो है आपकी दूसरी लोब, ठीक है, टू लोब्स। जबकि आपके पास जो राइट लंग है इसके पास थ्री लोब्स है, अपर, मिडल एंड लोअर लोब, ठीक है। ये स्पॉन्जी और इलास्टिक होते हैं, यानी कि अपनी फॉर्म में इन कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन करते रहते हैं। पल्मोनरी आर्टरी और वेन भी होते हैं इनके पास। इनके पास टू मेम्ब्रेन्स होती हैं, बाहर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन और अंदर वाली, तो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर प्लूरल। इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान में एक फ्लूड होता है, वो फ्लूड लुब्रिकेशन यानी इनकी मूवमेंट के लिए हेल्प आउट कर रहा होता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में, यानी एक्सपैंड भी होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी, यानी कि इनसाइड जब गैस गई तो ये क्या होगा और आउटसाइड गई तो फिर क्या होगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये इनके दरमियान चलती रहती है। तो इस तरीके से सारी गैसियस एक्सचेंज जो है वो ह्यूमन बींग में होती है। होप सो कि आपको ये पूरा लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इसमें से जो आपको क्वेश्चन आ सकता है, और यही आपका होमवर्क है कि ट्रेस एयर पैसेज वे फ्रॉम द नोज टू एल्वियोलाई, और आपने ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का मेजर डिफरेंस भी लिखना है। अगर इसके अलावा आपको यहाँ से कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप मुझे मेल भी कर सकते हैं या कमेंट में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।